ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। सेम उसी तरह जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बताया था, आपने इसका सलूशन जो है वो फाइंड करना है। और इसमें सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ द एब्सोल्यूट साइंस हैं, तो उनको तो एक जगह पे आप कंबाइन कर लें। कहने का मतलब ये है कि आप 1/2 को आप एज इट इज़ लिखें, इसको आप लिखेंगे 3x + 2 = -4, राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो 11 + 4 होगा, और एट द एंड एब्सोल्यूट x + 2 / 2, ये तो उसी के नीचे आप लिख दें, और ये ऐड करने से 15 हो जाएगा। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x + 2 एब्सोल्यूट = 15, 2 × 30 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह हो चुका है, बाकी आप इसका सोल्यूशन जो है वो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अब इसमें यही है कि एब्सोल्यूट के साइंस को हम रिप्लेस करते हैं। उसको रिप्लेस करने का मेथड ये है कि आपने इसकी बाहर वाली साइड पे प्लस माइनस लिखना है, और इसको एक UUL आम सी ब्रैकेट में आप इस वैल्यूज़ को आप पुट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इसकी रिप्लेसमेंट होगी। फिर जैसे फर्स्ट पार्ट में बताया था, एक लाइन निकालें, इधर आप प्लस के साथ इस वैल्यू को लिख लें 3x + 2 एब्सोल्यूट तो ख़त्म हो चुका है = 30, और दूसरी माइनस वाली वैल्यू है तो आप यहाँ पे -3x + 2 = 30। पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ, प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होंगे, तो 3x और प्लस 2 राइट साइड पे एक ही स्टेप में आप ले जाएं तो 30 - 2 हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू 28/3। तो ये मेरे पास पहला आंसर आ गया, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया, 30 में से 2 माइनस करें तो 28 आ जाता है। माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये जो वैल्यू है -3x - +-2 = 30, और सेम उसी तरह x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, 30 - 2 राइट साइड पे जाके +2 हुआ, और x = 30 + 2 = 32, और चूंकि ये -3 इधर जाके डिवाइड हो रहा है तो ये इसको -32/3 कर देगा, ये माइनस साइन कैरी करेगा अपने साथ लेकर आएगा। तो ये हमारे पास 2 आंसर्स आ चुके हैं। तो फॉर चेकिंग मेथड, चेक करने के लिए हम इनको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखना है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं, आंसर्स आए हैं, क्या ये एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट तो नहीं करे। तो मैं इनको डिवाइड कर लेता हूँ ताकि वो मेरे लिए फिर आसानी हो जाए। 28 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 28/3, कैलकुलेटर से आप इसे चेक कर लें तो 9.33, तो x = 9.33 कर लें अपनी कन्वीनियंस के लिए। और इधर मैं देखता हूँ तो x = -32 को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो दैट विल बी इक्वल्स टू 10.66, तो मैं इसे 10.67 कर देता हूँ ताकि ये राउंड ऑफ वैल्यू हो जाए और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अभी इस वैल्यू को आपने ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर देना है। मैं वही क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूँ, 1/2 absolute 3x + 2 absolute -4 = 11 एक तरफ, और दूसरा मैं इस वैल्यू के लिए इस क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ, और ये बना 1/2 absolute 3x + 2 absolute -4 = 11। तो इसमें मैं आप सबसे पहले ये वाली वैल्यू जो है वो पुट करता हूँ एक्स की 9.33, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं फिर एक्स की, तो 1/2 absolute 3 × x की वैल्यू है 9.33, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 9.33, प्लस 2 की जगह प्लस 2 लिख लें, एब्सोल्यूट की जगह एब्सोल्यूट -4 = 11। नाउ 1/2 absolute, अब इसको आप कंबाइन कर लें कैलकुलेटर पे एक ही दफ़ा कर लें, 9.33 × 3 जो भी आंसर आया उसके साथ आप लिखेंगे +2, ये मेरे पास कैलकुलेटर ने मुझे आंसर दिया 29.99, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 30 लिख देता हूँ, -4 = 11, एब्सोल्यूट 30 जो है वो 30 को ही रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव है तो इसको आप ब्रैकेट में 30 लिखते हैं, -4 = 11, 2 × 1 × 2 = 15 × 30, 15 - 4 = 11 = 11, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसमें तो आ गई है इस केस में। अब दूसरे केस में हम चेक कर लेते हैं, इसमें हम पुट करने लगे एक्स की वैल्यू जो सेकेंड आई थी मेरी -10.67, ये मैं पुट करता हूँ, एब्सोल्यूट की जगह एब्सोल्यूट, -3 की जगह 3, और x की जगह -10.67 ये मैंने लिख दिया, +2 को मैंने एज इट इज़ रहने दिया, -4 = 11। नाउ 1/2, अब ये मल्टीप्लाई मैं करता हूँ, -10.67 × 3 = +2 भी मुझे करना है, ये भी मैं कर लेता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 30.0 - 30.01, तो -30.01 तो 30 को ही रिप्रेजेंट कर रहे, -4 = 11, तो ये माइनस एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट का साइन है, एब्सोल्यूट में से जो वैल्यू आप
आउट करते हैं वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, वो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस फोर इक्वल्स टू इलेवन, टू वन टाइम टू टू फिफ्टीन टाइम थर्टी, और फिफ्टीन माइनस फोर इक्वल्स टू इलेवन, अगेन इलेवन इज इक्वल टू इलेवन, हमारे पास आंसर आ गया। इसका मतलब है मेरे जो दोनों सोल्यूशंस आए थे, ये एक्स की जो वैल्यूज आई थी ये बिल्कुल ठीक है, तो इन्हें आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे कि मेरा ये जो आंसर है 28/3 ये भी करेक्ट है, और जो माइनस 32/3 आया था ये भी करेक्ट है, क्योंकि इन दोनों ने चेक मेथड में जब हमने इनको यूज़ किया है तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर इक्वल आया है।